कत्ते दूर क्या मामला हुआ? ये साहब हमारे सब खेत खा रही है, रातों रात साहब परेशान है, सारी रात जगना पड़ता है, खेत साहब खा जाती है, 70 गाय साहब बताओ कैसे रखा सकते हैं। हमारा सब खेती का विनाश कर दिया और साहब बताओ पूरी पूरी रात, ये सर्दी के मौसम में साहब जगना पड़ता है, साले बीमार हो जाते हैं हम तो। जब पुलिस प्रशासन आया तो क्या आश्वासन दिया आपको? वो तो ये कहते हैं क्यों किया करके क्या ब्लॉक में ये क्या वो गौशाला बनी है का? तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम यो साहब का अधिकारी लोग, डीएम साहब आए, यो साहब आए, एसडीएम साहब आए, कोई भी साहब आए, इन गाँव को हमारा निवारण करे ताकि हम सारी सारी रात परेशान होते हैं। हमारी सरकार ये गाँव की वजह से हमारी कुछ खेती नहीं हो पाती है। क्या नाम आप? क्या नाम आप? हमारा नाम रणवीर सिंह पाल। और गाय लेकर आए हैं यहाँ पर। जब पहुँचा तो लोगों ने एक बिल्कुल ब्लॉक को हाईजैक कर रखा था, गेट बंद कर रखा था, 50-60 जानवर यहाँ पर बंधे हुए थे गोवंश। तो ये साहब से बात हुई और उसके बाद जो है उनके कर्मचारी आए हैं और वो सब मिल के जो है, और कुछ गांव वाले भी गए हैं साथ में, तो शमशाबाद गौशाला काना गौशाला भेजा गया इन सबको लेके। यहाँ से चले गए सर? यहाँ से लेके सारे चले गए। यहाँ गाय कितनी देर तक यहाँ गाय रही? मुझे लगता है सुबह लाए होंगे तो 4-6 घंटे तक, 2 घंटे लगभग, 2 घंटे के आसपास यहाँ पर रही है गाय। क्या उद्देश्य था इनका ब्लॉक में गाय मतलब छोड़ने का? हमको लगता है इन्हें किसी ने मोटिवेट किया होगा कि आप करिए ब्लॉक में ले, अन्यथा यहाँ पर ले आने का कोई औचित्य नहीं था। ये गौशाला है नहीं और ये नगर पंचायत का खुली है, नगर पंचायत का मामला है। सूचना किसको किसको दी? एडीएम साहब के स्तर से बात हुई थी।